आप सब जानते हैं कि आप पंचतत्व हीलिंग के लिए आए हैं, और पंचतत्व ऐसा वर्ड है जो हर किसी ने सुना हुआ है, राइट? ऐसा कोई नहीं होगा जो कहेगा कि नहीं, मैंने आज तक कभी ये वर्ड नहीं सुना. ऐसा है कोई? आई मीन, बोलने को बोल सकता है, देर इज नो फियर, देर इज, इसमें कोई संकोच करने की बात नहीं है. अगर आपने कभी ये वर्ड नहीं सुना है तो भी चलेगा, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सब हर चीज से वाकिफ हों और हर चीज को जानते हों, राइट? और आफ्टर ऑल, हम हर चीज जाने तो फिर हमें कोई चीज को सीखने की क्या जरूरत है. जब हम पंच तत्व की बात करते हैं तो पंच, ऑफ कोर्स हमको मालूम है, पांच, राइट? और तत्व मतलब एलिमेंट, तो मतलब हम बात कर रहे हैं फाइव एलिमेंट्स की. और फाइव एलिमेंट्स सिर्फ हमारे आयुर्वेदा में ही नहीं बात होती है, फाइव एलिमेंट्स की बात चाइनीज मेडिसिन में भी होती है. तो आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने आयुर्वेदा किया होगा, कुछ लोग होंगे जिन्होंने टीसीएम भी सीखा हुआ होगा, सुजोग सीखा हुआ होगा. वो कहीं ना कहीं उन्होंने ये पांच तत्वों के साथ या उनसे, उसकी फिलोसफी पे कुछ उनको पता लगा ही होगा या उसको इस्तेमाल किया होगा. ऑफकोर्स चाइनीज में, टीसीएम में फाइव एलिमेंट्स अलग तरह के होते हैं, और मतलब ऑफकोर्स उनका दे आर मोर और लेस द सेम, लेकिन उनका लेबल जो है, जो नाम उनको दिया गया है, वो अलग है, राइट? जो ये कोर्स है पंचतत्व हीलिंग, ये आपको ना ही कुछ आयुर्वेदा से कनेक्ट करने वाला है, ना ही आपको टीसीएम से कनेक्ट करने वाला है, पर बहुत कुछ आप फिर भी सीखने वाले हैं एज ए हीलर. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, चलिए मैं शेयर कर लेती हूँ. आप लोग सब लगता है बहुत बिजी हैं, हर कोई एकदम चुपचाप बैठा है. आज सोच के आए हैं कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, राइट? नहीं, मैम रेडी है, तो रेडी मैम है, हमसे सुन रहे हैं, ऐसे सुन रेडी रहे है। हैं. ओके, ठीक चलिए. तो शिव जी की आराधना करके आज स्टार्ट करते हैं. शिव जी का इसलिए मैंने रखा है क्योंकि जब भी एलिमेंट्स की बात करो, और उसमें शिव जी ऐसे हैं जिसमें कि एलिमेंट्स की भरमार है. मुझे लगता है जैसे गंगा को अपने जटाओं पे रखा हुआ है, अपने शरीर पे भस्म लगाए रहते हैं, अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड रहते हैं. और ऑफकोर्स त्रिदेव हैं, और उनके दिमाग और हर चीज की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका पूरा एलिमेंट सब उस उनके साथ जुड़े हुए हैं. तो जब हम पांच तत्व की बात करते हैं तो ये पांच तत्व हैं, जो कि आकाश, वायु, तेजस, जल और पृथ्वी. ऑफकोर्स ये हिंदी वर्ड्स हैं, अगर हम इंग्लिश में बोलें तो स्पेस, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ. ये पांच एलिमेंट्स हुए, राइट? जिनको कई लोग पंच महाभूत भी बोलते हैं. और अब ये चीजों का हमको क्या करना है, हमें इनकी क्या जरूरत है, और अगर जरूरत भी है तो ये हमको कैसे मदद करते हैं या हम इनका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं. तो अगर हम इस बात पे बात करें तो हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर पांच तत्वों का बना है, और हमको ये शुरू से बताया जाता है कि आप जिस पांच तत्वों से बने हो, वही जब आप मर जाओगे या आप इस जीवन में नहीं रहोगे, ये सारे तत्व अपनी अपनी जगह चले जाएंगे, राइट? तो ये चीज का हमें कहीं ना कहीं ज्ञात है, राइट? इसका मतलब कि हम ये भी जानते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो इन पांच तत्वों से ही है, और इन पांच तत्वों के बिना हमारी लाइफ नहीं, राइट? तो हमारी बॉडी में ये पांच तत्व हैं, और ये सृष्टि में भी पांच तत्व हैं. अगर सृष्टि में या हमारे अंदर कभी भी इन पांच, अगर हम पांच तत्वों के बने हुए हैं, तो फिर क्या हमको उसे करना क्या है? हमें करना इसलिए है क्योंकि बने तो हम पांच तत्व के हैं, पर क्या ये पांच तत्व हमेशा सेम रहते हैं, सेम प्रपोर्शन में रहते हैं? जैसे जैसे हमारा जीवन काल आगे बढ़ता है, जैसे जैसे हमारे जीवन में बहुत सी चीजें घटती हैं, तो क्या इनका महत्व हमारे जीवन में कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, या हम किसी एक चीज में ज्यादा भरमार कर लेते हैं और दूसरी चीज को कम कर लेते हैं?
तो ऑफ कोर्स ऐसा होता है, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं इनके अंदर डिसबैलेंस क्रिएट होता है, राइट? अगर ये प्रॉपरली बैलेंस्ड हो, प्रॉपरली बैलेंस इन द सेंस के कुछ लोग होते हैं वो ज्यादा अर्थ पर्सन हो सकते हैं, कुछ एयर पर्सन हो सकते हैं, कुछ वाटर भी हो सकते हैं, कुछ किसी में किसी चीज की ज्यादा हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो खराब है, लेकिन उसकी इस प्रकार से होना कि आप जीवन में जो करना चाहते हैं वह करने में समर्थ नहीं हो रहे, तो ऑब्वियसली उसके इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वह आपके लिए लाभदायक नहीं है या आपके लिए कोई खराबी क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ, बहुत विचार करती हूँ, मेरा दिमाग बहुत चलता है, जो कि आजकल हर किसी का चलता है, बिकॉज हम सब मेंटल एज में रहते हैं जहां पर हमारा मेंटल एस एक्टिविटीज एकदम उत्तम श्रेय पे है, और हम चाहते भी हैं कि हम वही वैसे ही काम करें। फिजिकल काम करना तो आजकल बहुत कम लोग चाहते हैं, राइट? बिकॉज वो कहीं ना कहीं उसको एक दर्जा कम का देते हैं, हमको लगता है कि फिजिकल काम करना मतलब कि एक लोअर स्ट्रेटा, लोअर कैटेगरी का काम है, जबकि एक्चुअली ये फीलिंग हमारे भारतीयों में ज्यादा है। अगर आप बाहर जाओ या बाहर की कंट्रीज में जाओ तो आप पाओगे वहां पर फिजिकल लेबर की बहुत इम्पोर्टेंस, शायद वहां पे मेंटल लेबर की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी कि फिजिकल लेबर की। लेकिन हमारी कंट्री में फिजिकल लेबर तो बहुत थर्ड क्लास लेबर है, क्योंकि वो फिर हम कहेंगे वो तो प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, सीपेज, ये सब काम तो छोटे लोग करते हैं, बड़े लोग तो नहीं करते हैं, हम तो सोच समझ के काम करते हैं, राइट? तो अगर हम सोच समझ के काम करते हैं तो क्वेश्चन है कि ये सोच समझ तो ठीक है, पर क्या वह हमारी सोच समझ जो करने के लिए है वहां तक ट्रांसलेट हो पा रही? क्या जो हम चाहते हैं बनाना या चाहते हैं जिसके बारे में हम ख्वाब देखते हैं, जिसके बारे में ड्रीम करते हैं, जिसके बारे में हम विजुलाइज करते हैं, विजन रखते हैं, क्या वह चीजें हमारे जीवन में आ पाती हैं वैसी? और अगर नहीं आ पाती तो क्यों नहीं आ पाती? तो इसका मतलब कहाँ पर हमारा डिसबैलेंस हो रहा है? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारा जो एलिमेंट उस चीज को सॉलिडिफाई करने के लिए जरूरत है वो नहीं है, और इसी वजह से हम कहीं ना कहीं एयर पे तो रह रहे हैं, हवा में तो रह रहे हैं, और हवा हमारे पास बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अर्थ से कनेक्शन छोड़ रहे हैं, और इसकी वजह से हम उन चीजों को जो काल्पनिक है उनको हम रियलिटी में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे। सो दैट इज व्हाट इज तत्व बैलेंस। सो अर्थ जो है, अगर हम अपने शरीर को देखें, अपनी बॉडी को देखें, तो हमारा शरीर जो है वह अर्थ एलिमेंट उसमें हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर, स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। वाटर भले ही हम फ्लूइड के फॉर्म में बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा माइंड जो है वो बहुत फ्लूइड होता है, बहुत सी चीजों में विचार होते हैं उसके। सो वो सॉफ्ट जो चीजें उसकी हैं, जो जहां पर हम सरेंडर करते हैं, जहां पर हम रिलेशनशिप्स में जाते हैं, वहां पर हम वो वाटर एलिमेंट की बात कर रहे हैं। और फायर ऑफकोर्स हमको चाहिए, हर किसी को चाहिए, गुस्सा, नाराजगी, बातचीत में कुछ ना कुछ अपना स्वाभिमान दिखाना, ये तो जरूरत है ना हमें। तो ये फायर एलिमेंट हमारा इंटेलिजेंट टूल है, जो कि हमारी बॉडी का ही टेम्परेचर बराबर नहीं रखता, उसके अलावा हमें वो एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके, कुछ कर सके, कुछ कह सके। और एयर है एक अवेयरनेस, जो कि हमारे सब चीजों को, हमारी इंस्पिरेशन को क्लियर और क्लैरिटी और फोकस देते, राइट? सो इस तरह से हमारे ये एलिमेंट है। अब पांचवा एलिमेंट क्या हुआ फिर, कोई बोलेगा? स्पेस हाँ, आकाश आकाश तत्व तत्व। ओके, सो वो क्या स्पेस इससे कनेक्ट करता है हमारे? मैम स्पेस स्पिरिचुअलिटी हाँ, पर किस चीज से, उसकी हमें क्या जरूरत? से कनेक्ट करता है ओके, वेरी आउटर गुड। ओके, सो हमारा बेसिकली स्पिरिट है, सोल है,
हम लोग सब बहुत हीलिंग वर्ड में से हैं, सो हम ये सब चीजें बड़ी बड़ी चीजें बहुत बात करते हैं, राइट, है ना? तो कहीं ना कहीं हम इनसे इनके बारे में तो जानते ही हैं, तो हमें मालूम है कि अगर हमको हायर अप जाना है जिंदगी में, स्पिरिचुअल अवेयरनेस लानी है, तो हमें ये स्पिरिट अपना जो तत्व है उसको तो बहुत ही उजागर करना है। पर वो तो तभी हो सकता है जब ये सारे तत्व बैलेंस हो जाए और सब तत्व मर्ज होकर हमें उस बैलेंस, उस तत्व तक ले जाए, राइट? हाँ।